दोस्तों आइसक्रीम एक ऐसी चीज है जिसको हर इंसान खाना पसंद करता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर सीनियर सिटीजन हो। इसके अलावा ये जो बिजनेस है ये ऑल सीजन में चलने वाला बिजनेस है। अगर आप इसको शुरू करते हैं तो 12 महीने तक आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों आइसक्रीम में भी अलग अलग वैरायटी आती है और अलग अलग टाइप की आइसक्रीम मिलती है। जैसे सबसे पहली होती है सॉफ्ट आइसक्रीम जिसके अंदर वेनिला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट ये सारे फ्लेवर्स होते हैं। साथ ही साथ में दूसरी तरह की जो होती है वो हमारी देसी आइसक्रीम होती है जिसको बोलते हैं कुल्फी। इसके अंदर भी अलग अलग फ्लेवर होते हैं जैसे कि पिस्ता होता है, मलाई होता है, मैंगो होता है, काजू पिस्ता होता है, ऐसे और भी बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कुल्फी मेकिंग बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं और शुरू करने के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितना प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप कुल्फी मेकिंग शुरू करेंगे तो आप कितने तरीके से उसको बेच पाएंगे वो भी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। देखिए दोस्तों, अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपने एक चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी, आइसक्रीम के ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे आउटलेट होते हैं जो सिर्फ शाम के टाइम खुलते हैं और शाम के टाइम में ही वो 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का गल्ला कर लेते हैं, मतलब इतना धंधा कर लेते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कोई एक दुकान वाला है जिसने 10,000 रुपए का माल बेचा और उसका प्रॉफिट मार्जिन है 40%, तो 10,000 में से 4,000 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया और महीने का हो जाता है 1,20,000 रुपया। उसमें से मान के चलते हैं कि 20 से 30,000 रुपए उसका खर्चा हो जाता है तो उसका नेट प्रॉफिट हो जाता है 90,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए के बीच में। अब दोस्तों जरा जो रिटेलर अपनी दुकान में माल बेच रहा है वो 90,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए कमा सकता है, तो अगर आप आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको इंट्रो में ही कहा था कि एक ऐसा बिजनेस है जो ऑल सीजन में चलने वाला बिजनेस है, अगर आप चाहें तो उसको शुरू कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी कुल्फी मेकिंग बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला मशीनरी। देखिए दोस्तों, इस तरीके का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको टोटल 3 मशीन्स की जरूरत पड़ने वाली है। अब वो तीनों मशीन कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली मशीन है मिल्क बॉइलिंग मशीन। इस मशीन की मदद से जो भी दूध होगा उसको आप बॉइल कर सकते हैं और 40 से 45 मिनट में मिल्क उस कंडीशन में आ जाएगा जिसके बाद में उससे आप आइसक्रीम बना सकते हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मिल्क को बॉइल करने के लिए तो हम कढ़ाई में भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाई आती है उसके अंदर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कढ़ाई के अंदर करेंगे तो आपको पूरे टाइम एक आदमी की जरूरत पड़ेगी जो उसको हिलाते रहेगा, लेकिन अगर आप इस मशीन की मदद से करते हैं तो आपको आदमी की जरूरत नहीं होगी उसको हिलाने के लिए। ये मशीन ऑटोमेटिकली बॉइल भी करती है और साथ ही साथ में जो दूध होता है उसको हिलाती भी रहती है। तो अगर आप ये मशीन लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपका जो लेबर का कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो आपको ये मशीन खरीदनी पड़ेगी और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसके अंदर आपका जो रॉ मटेरियल है वो 40 से 45 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इस मशीन की कैपेसिटी की बात करूं तो एक टाइम में आप 120 लीटर मिल्क को बॉइल कर सकते हो। दूसरी मशीन आइसक्रीम मेकिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन की मदद से आप आइसक्रीम को जमा पाओगे क्योंकि आपका रॉ मटेरियल तो तैयार हो चुका है, उसको जमाने के लिए आपको इसी मशीन की जरूरत पड़ने वाली है। और साथ ही साथ में इसके अंदर एक ऐसी चीज आपको डालनी होगी जिसकी वजह से आइसक्रीम जो होती है बहुत ही जल्दी जमती है, उसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। इसको आपको पानी के साथ मिलाकर डालना होगा और ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये आपको पाउडर फॉर्म में मार्केट में मिल जाता है। और दोस्तों अगर इस मशीन की कैपेसिटी की बात की जाए तो एक टाइम में आप 8 मोल्ड को आइसक्रीम बनाने के लिए रख सकते हो। और दोस्तों इस मशीन की मदद से आइसक्रीम जो होती है वो 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तीसरी मशीन डीप फ्रीजर। देखिए दोस्तों, आपने आइसक्रीम तो बना ली है, अब उसको स्टोर करने के लिए आपको डीप फ्रीजर की जरूरत पड़ने वाली है। अब आपको कौन सा डीप फ्रीजर लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको ऐसा डीप फ्रीजर लेना होगा जिसका टेम्परेचर -25 डिग्री से लेकर -40 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो डीप फ्रीजर है ये आइसक्रीम को स्टोर करने का भी काम करेगा और साथ ही साथ में अगर आप अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको यही मशीन काम आने वाली है, क्योंकि आपका जो टेम्पो होगा उसके अंदर आपको डीप फ्रीजर रखना होगा और उसके बाद में आपके फैक्ट्री से डीप फ्रीजर के अंदर माल जाएगा और वहां से आप अपने रिटेलर्स को और जो अलग अलग जगह है वहां पे माल सप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको मोल्ड की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो आप जिस भी टाइप की आइसक्रीम बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको मोल्ड की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आप कुल्फी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग मोल्ड की जरूरत पड़ेगी, अगर आप कटिंग वाली आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग मोल्ड की जरूरत पड़ती है। तो जिस भी शेप की आप आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको मोल्ड खरीदना होगा और ये जो मोल्ड है ये आपको वही कंपनी प्रोवाइड कर देगी जहां से आप मशीन खरीदने वाले हैं। दूसरी चीज जिसकी जरूरत आपको रेगुलर बेसिस पे पड़ने वाली है वो है रॉ मटेरियल। देखिए दोस्तों, रॉ मटेरियल के अंदर 4 चीजें बहुत ही कॉमन है और उसके अलावा आपको और भी चीजों की जरूरत पड़ सकती है, डिपेंड करेगा आप किस प्रकार की आइसक्रीम बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप पिस्ता आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग चीज खरीदनी पड़ेगी,
केसर पिस्ता बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग चीज की जरूरत पड़ेगी। अब वो चारों चीजें जो कॉमन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज है मिल्क, दूसरी चीज है शुगर, तीसरी चीज है मावा जिसको खोया भी कहा जाता है, और चौथी चीज है कैल्शियम क्लोराइड जो इन सब चीजों को जमाने का काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए अगर आप कसाटा आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उससे रिलेटेड फ्लेवर लेना होगा, और साथ ही साथ में उसके अंदर जो भी ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं वो लेने होंगे, टूटी फ्रूटी जो डाली जाती है वो लेना होगा। तो जिस तरीके की आप आइसक्रीम बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको अलग अलग चीजें लेनी होगी। तीसरी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है स्पेस। देखिए दोस्तों आपके पास कम से कम 500 स्क्वायर फुट से लेकर 1000 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए ताकि आप ये सारी मशीन रख सको, आपका रॉ मटेरियल रख सको, और साथ ही साथ में आपका जो तैयार माल है उसको भी रख सको। चौथी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है वो है एम्प्लॉयज। देखिए दोस्तों आपके पास 5 से 6 एम्प्लॉयज होने चाहिए। अब ये क्या काम करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 एम्प्लॉयज तो आपके मशीन के ऊपर काम करेंगे, साथ ही साथ में 1 एम्प्लॉय आपके पास ऐसा होना चाहिए जो एज अ हेल्पर काम करेगा, मतलब मोल्ड के अंदर रॉ मटेरियल डालने का काम करेगा, साथ ही साथ में पैकिंग में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा 2 लोग ऐसे होंगे जो डिलीवरी का काम करेंगे और साथ ही साथ में ऑर्डर भी लाने का काम करेंगे। और अगर दोस्तों आप अपना खुद का आउटलेट ओपन करते हैं तो काउंटर के ऊपर भी आपको 1 आदमी की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने कहा आपके पास कम से कम 5 से 6 एम्प्लॉयज होने चाहिए। 5वीं चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है वो है डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइसेंसेस। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा, और कंपनी के रजिस्ट्रेशन बाद में आपको गुमास्ता लाइसेंस लेना होगा जिसको ट्रेड लाइसेंस भी कहते हैं और कहीं कहीं पे शॉपेक लाइसेंस भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो बिजनेस है वो फूड से रिलेटेड बिजनेस है तो आपको FSSAI का लाइसेंस भी लेना होगा। और दोस्तों साथ ही साथ में अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो आपको GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, अदरवाइज आपको GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है तब तक जब तक आपका साल का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर ना चला जाए। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि मशीन की मदद से आप कुल्फी को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी मिल्क बॉइलिंग मशीन की। इस मशीन के अंदर आपको 3 चीजें डालनी होगी, मिल्क, शुगर और मावा जिसको खोया भी कहते हैं। अब ये तीनों चीजें आपको कितनी मात्रा में डालनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मशीन है इसकी कैपेसिटी है 120 लीटर की, तो इसके अंदर आप मिल्क डालेंगे लगभग 80 लीटर और शक्कर डालेंगे 20 से 25 किलो। आइसक्रीम को आप जितना ज्यादा मीठा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से शक्कर डाल सकते हैं, और साथ ही साथ में खोया आपको डालना होगा 10 से 15 किलो। तो ये तीनों चीजें आपको डालनी है, और उसके अगले 40 से 45 मिनट में आपका रॉ मटेरियल तैयार हो जाएगा। और एक बार जब ये तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में इसको आपको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप कोई फ्लेवर डालना चाहते हैं, एसेंस डालना चाहते हैं, तो आप तभी डाल सकते हैं जब आपने दूध, शक्कर और मावा डाला था। एक बार जब आपका रॉ मटेरियल ठंडा हो जाए तो उसके बाद में आपको इसको मोल्ड में डालना होगा। तो जिस भी प्रकार की आप कुल्फी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको मोल्ड यूज करना होगा। और उसके बाद में दोस्तों जो आइसक्रीम मेकिंग मशीन थी उसके अंदर हमने ऑलरेडी कैल्शियम क्लोराइड और पानी का मिश्रण बना के डाल दिया है, जिसकी मदद से ये जो कुल्फी होगी जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाएगी। उसके बाद में ये जो मोल्ड है इसको आपको आइसक्रीम मेकिंग मशीन के अंदर रख देना है, और 5 से 10 मिनट में आपकी कुल्फी बनकर तैयार हो जाएगी, जिसको आप किसी भी ट्रे के अंदर निकाल सकते हैं। और एक बार निकालने के बाद में आप इसको रिफ्रिजरेटर में रख सकते हैं या जहां कहीं भी आप स्टोर करके रखना चाहते हैं वहां पे रख सकते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए -25 से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी कुल्फी बनकर तैयार हो जाएगी, जिसको आप मार्केट में बेचने के लिए भेज सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कुल्फी बनाने का प्रोसेस कितना आसान है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको बनाने के लिए आपका कॉस्टिंग क्या आने वाला है, और साथ ही साथ में इस बिजनेस को शुरू करके आप कितने पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा मशीनरी, इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल के अंदर, तो उसका आपका कितना खर्चा जाने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मिल्क बॉइलिंग मशीन आपको मिल जाएगी लगभग 50,000 रुपए के आसपास, आइसक्रीम मेकिंग मशीन आपको मिल जाएगी लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास। इसके अलावा जो डीप फ्रीजर होता है वो आपको मार्केट में मिल जाएगा 70,000 से 80,000 रुपए के आसपास। तो अगर मैं टोटल करूं तो ये हो जाता है 2,80,000 रुपया। उसके बाद में दोस्तों आपको मोल्ड्स खरीदने पड़ेंगे। अब आप किस प्रकार की कुल्फी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको मोल्ड खरीदने होंगे। जैसे अगर आप कटिंग वाली खरीदना चाहते हैं तो उसका एक मोल्ड आपको लगभग 5,000 रुपए के आसपास आता है। अगर आप कुल्फी बनाने वाला मोल्ड खरीदना चाहते हैं तो वो लगभग आपको मिलेगा 4,000 से 4,500 रुपए के आसपास। इसके अलावा जो नॉर्मल कैंडी आती है उसका मोल्ड आपको मिल जाता है लगभग 1,000 रुपए के आसपास। तो मोल्ड का मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ आपको कॉस्टिंग जाने वाला 30,000 से 40,000 रुपया, तो मैं इसको 40,000 ही पकड़ लेता हूँ। तो 2,80,000 प्लस 40,000 हो जाता है 3,20,000 रुपया। इसके अलावा दोस्तों आपको छोटी मोटी और भी चीजें खरीदनी पड़ेगी, जैसे स्टिक हो गई, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, तो उसका मैं पकड़ लेता हूँ 30,000 रुपया। तो लगभग 3.5 लाख रुपए में आपका रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, साथ ही साथ मशीनरी भी आ जाएगी और इक्विपमेंट भी आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो फैक्ट्री का सेटअप होगा उसमें आपका 1 से 1.5 लाख रुपया जाने वाला है, तो टोटल हो जाएगा 5 लाख रुपया। और उसके बाद में आपके पास थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए ताकि आप इस बिजनेस को अच्छे से रन कर पाए, तो आपके पास 1 से 1.5 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप कुल्फी मेकिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम
6-7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जितनी भी क्वांटिटी में हमने रॉ मटेरियल डाला था उसका कॉस्ट कितना पड़ता है, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने 80 लीटर दूध बताया था, साथ ही साथ में 15 किलो मावा बताया था और 20 किलो शक्कर बताई थी। तो अगर आप दूध 60 रुपए लीटर ले रहे हैं तो 80 लीटर का हो जाएगा 4,800 रुपया। और अगर आप मावा बहुत भी महंगा खरीदते हैं, मतलब 300 रुपए किलो भी खरीदते हैं, वैसे मार्केट में अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको 200 रुपए से लेकर 250 रुपए किलो तक भी मिल जाएगा, पर मैं यहां पे पकड़ लेता हूं 300 रुपए किलो आप खरीदते हैं तो 15 किलो का हो जाएगा 4,500 रुपया। उसके बाद में जो शक्कर होती है वो मार्केट में आपको लगभग 40 रुपए के आसपास मिल जाएगी, तो उसका हो जाएगा 800 रुपया। तो अगर मैं टोटल करूं तो होता है 10,100 रुपया। तो लमसम हम इसका 10,000 रुपया पकड़ लेते हैं। अब 10,000 रुपए के अंदर आपको कितने किलो कुल्फी मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। ये आपको लगभग मिलती है 70 किलो से लेकर 75 किलो के बीच में। अगर मैं 70 को 10,000 से डिवाइड करता हूं तो आता है 142 रुपए और 85 पैसे। मतलब दोस्तों, 1 किलो आइसक्रीम बनाने के लिए आपका मैक्सिमम कॉस्टिंग जाने वाला है 150 रुपए के आसपास। आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानों के अंदर ये जो आइसक्रीम बिकती है ये लगभग 300 रुपए से लेकर 350 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। मतलब ये 150 रुपए की जो आपने आइसक्रीम बनाई है इसको डायरेक्टली आप 300 रुपए तक बेच सकते हैं, मतलब 100% का आपको प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आप इसके अंदर फ्लेवर ऐड करके बेचेंगे, ड्राई फ्रूट, चोको चिप्स या और भी अलग अलग चीजें डाल के बेचेंगे तो आप और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप कैंडी बनाकर बेचते हैं, कुल्फी बनाकर बेचते हैं या फिर 100-100 ग्राम की कटिंग करके भी बेचते हैं तो आप और भी ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। अब मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आपको 100% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो आपने 10,000 रुपए का माल मटेरियल डाला तो आपको 20,000 रुपए मार्केट से मिलने वाले हैं। तो 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप 10,000 रुपए कमा पाएंगे। और इन मशीन्स की मदद से आप दिन के अंदर 3 बार कुल्फी बना सकते हैं, मतलब ये मशीन आपको एक दिन के अंदर 30,000 रुपए तक का प्रॉफिट करके दे सकती है। ये मैंने मिनिमम बताया, आप इससे ज्यादा भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर मैं मिनिमम ही लेके चलूँ तो महीने का आप कमा सकते हैं लगभग 9 लाख रुपए के आसपास। अब दोस्तों, हो सकता है जब इनिशियली आप बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको इतने ऑर्डर्स नहीं आएंगे, लेकिन बाय द टाइम काम करते करते जब ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे तो जितनी ज्यादा आप आइसक्रीम बनाएंगे उतने ही ज्यादा पैसे आप कमा पाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब मैं आपको आखिर में यह बता देता हूं कि अगर कोई भी इंसान ये बिजनेस शुरू करता है तो वो कितने तरीके से अपने माल को बेच सकता है। देखिए दोस्तों, आप 4 तरीके से अपने माल को बेच सकते हो। सबसे पहला, थ्रू काउंटर सेल्स, मतलब आप अपनी खुद की दुकान खोल सकते हो और वहां से अपनी बनी हुई आइसक्रीम को बेच सकते हो। दूसरा, थ्रू डिफरेंट रिटेलर्स, देखिए जो दूसरे अलग अलग रिटेलर्स होते हैं जो आइसक्रीम बेचते हैं उनको भी आप माल सप्लाई कर सकते हो। और माल कैसे सप्लाई कर सकते हो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको टेम्पो की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर आपका डीप फ्रीजर होगा, जिसके अंदर आप माल डाल के ले जाओगे और सब जगह पे सप्लाई करोगे। तीसरा, गाड़ी और रेडी वालों के थ्रू। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे गाड़ी वाले रोड के ऊपर बेचते हैं और साथ ही साथ में बहुत सारे लोग होते हैं जो टोकरी के अंदर भी रख के आइसक्रीम को बेचते हैं। तो ये लोग खुद आइसक्रीम बनाते नहीं है, ये किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, वहां से बल्क में खरीदते हैं और उसके बाद में घूम घूम के बेचते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ऐसे लोगों के थ्रू भी अपनी आइसक्रीम को बिकवा सकते हो। चौथा, शादी पार्टी इवेंट्स, इनके अंदर भी आप अपनी आइसक्रीम को सप्लाई कर सकते हो। आप खुद जानते होंगे जहां कहीं भी कोई पार्टी होती है, शादी होती है, इवेंट होता है, वहां पर आइसक्रीम तो होती ही होती है, तो वहां पर भी आप सप्लाई करने का ऑर्डर ले सकते हो। तो इन 4 तरीके से आप अपनी आइसक्रीम को बनाकर बेच सकते हो। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करें और अपने बिजनेस को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाएं तो उसके लिए आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगर मुझे 100 कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो बनाकर जरूर अपलोड करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।